हम शरीर नहीं है ये समझना थोड़ा सा सरल होता है पर हम मन नहीं है चैलेंज क्योंकि हम मन से ही तो सब कुछ महसूस कर रहे हैं तुम्हारा नाम तुम्हारा फैमिली तुम्हारी जॉब तुम्हारा तो वो सब कुछ मन से ही तो समझ रहे हो और वो जिस मन से हम सब समझ रहे हैं वो मन हम नहीं हैं ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है पर इसे ऐसे लीजिए अगर आपके पास आपके जन्म का तस्वीर हो जब लाइक अ ईयर ओल्ड टू ईयर फाइव ईयर टेन इयर्स ओल्ड और तब से लेके अब तक की आपके पास ये सब तस्वीरें हों तो जस्ट पुट ऑल द फोटोज राइट इन योर फ्रंट तो आप इजीली ये चीज समझ पाते हैं कि शरीर तो बदल गया राइट right? वो ढाई तीन किलो का जो बच्चा पैदा होता है वो इस समय 60-70 किलो का है या 100 किलो का है शरीर तो बदल गया बहुत जोर से बदल गया और फिर शरीर की इस बदलाहट को हम लोग रोज एक्सपीरियंस भी करते हैं पर कई बार जैसे जस्ट टू बैक आपकी कोई फोटो आपको मिल जाए तो आपको दिखता है अच्छा मैं तो ज्यादा यंग दिखती थी जबकि रोज शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तब ऐसा नहीं लगता है पर सिर्फ एक साल पुरानी या दो साल पुरानी या पांच साल पुरानी कोई फोटो आपको दिख जाए तो बहुत डिफरेंस जो है विविडली क्लियर हो जाता है कि अरे हम तो ऐसे दिखते थे और अब तो हम बदल गए लेकिन तुम मन को किस विषय में देखोगे मन से देख रहे हो तो मन को कैसे देखोगे इसमें थोड़ा बुद्धि को सूक्ष्म करने की जरूरत होती लेट से सुबह तुम उठे तो मन बहुत खुश था फिर दोपहर आते आते कहो कि हम नहीं मिल पाए तुमको टीचर्स का मीटिंग था तुम उसमें नहीं आ पाए तो तुम्हारा मन दुखी हो गया कि ले, मैं इतनी दूर से आई हूं और मुझे तो अंदर ले लेना चाहिए था ये मुझे अंदर क्यों नहीं लिया मन ने मान लो एक विचार ऐसा किया मन दुखी हो गया फिर अब शाम को आप मिल मिल लिए मिल तो मन फिर से खुश हो गया तो मन के तीन रंग आपको दिख गए राइट बीच में कोई ऐसा टाइम भी रहा होगा जब कन्फ्यूजन थी या माइंड ब्लैंक था या बच्ची की याद आ रही थी अपनी बेटी की या आ, क्योंकि अमेरिका से आए हो तो जेटलैग्ड हो तो मे बी जेटलैग ने ना अजीब सी वो ना सोए में ना जागे में बंदा हो जाता है राइट तो मन के ये कलर्स भी तो चेंज हुए ना जब मन सुखी था तब ये बात मन ने जानी या मैंने जानी मन के पास मैं हूं जैसे मेरे सामने शरीर है ऐसे ही मेरे सामने मन भी है तो मन सुखी था मैंने ये जाना फिर सुख चला गया माइंड ब्लैंक हो गया वो भी आपने जाना फिर मन उदास हो गया आपने ये जाना फिर मन वापस खुश हो गया ये भी आपने जाना फिर खुशी चली गई फिर किसी बात पे बड़ा एक्साइटेड हो गया फिर मन ने कहा बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है मैं, अमेरिका में बहुत अच्छा था ये वेदर बहुत इट्स नॉट कंड्यूसिव शरीर को उतना अच्छा डिसकम्फर्ट लग रहा है और मन ने फिर एक रंग बदल लिया तो जब सुख दुख ब्लैंकनेस परेशानी आई वो भी तुमने जानी और जब वो फीलिंग चली गई अब जब सुखी है तो ऐसा तो नहीं ना कि ट्वेंटी फोर आवर मन सुखी रहता है दुखी हो जाए तो भी ट्वेंटी फोर आवर अच्छा तो लगता देखो अगर किसी के डेथ हो गई घर में रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे अचानक से किसी ने कहा वो याद है जब हम इकट्ठे हरिद्वार गए थे तो उन यादों को याद करते हुए हंस भी पड़े अरे हम वहां गंगा जी में नहाए थे फिर हमने आम खाए थे फिर हमने ढाबे में खाना खाया था फिर ये याद आई बात फिर वो बात याद आई तो हंसने लग गए और फिर थोड़ी देर में आ, आ अब अब वो चला गया अब वो हमारा प्यारा चला गया मन फिर वापस दुखी हो गया तो मन ने दुख देखा मन ने दुख देखा कि मैंने दुख देखा देखने वाला दिखने वाली से अलग होता है जैसे यह फूल अलग है इसलिए हम इस फूल को देख सकते हैं मान लो कोई फूल बिल्कुल ऐसे आंख के ऊपर रख दे <laughs> तो क्या आंख फूल को देख सकती है तो फूल को एक डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा अच्छा इस फूल को लेके कोई आश्रम के मेन गेट पर ही चला जाए तो क्या दिखेगा तो इतना दूर भी ना चला जाए कि रेन से बाहर हो जाए और इतना भी नजदीक ना आ जाए तो एक डिस्टेंस रखते हुए हम जैसे फूल को देख पाते हैं इसी तरह तुम्हारा और मन का एक डिस्टेंस है इसलिए तो मन दिख रहा है कि अभी मन खुश है अभी नहीं खुश है अभी दुखी है अभी नहीं दुखी है आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हुई हो तो आपका मन कितना शोक में चला जाता है पूरी दुनिया बुरी लगती है कुछ अच्छा नहीं लगता है फिर थोड़े समय बाद धीरे धीरे मन नॉर्मल हो जाता है फिर कम रोता है फिर दो तीन साल बीत जाए तो फिर उसकी डेथ एनिवर्सरी पे याद करते अच्छा आज के दिन हमारा वो प्रिय जो संबंधी था या दोस्त था आज के दिन मरा था पाँच साल दस साल बीत जाए फिर तो किस दिन मरा था वो तारीख भी भूल जाती राइट right? जैसे मैं तुमको कहूं तुम्हारी परदादी किस दिन मरी थी राइट right? आपके मतलब मौसी के काका का, का लड़का या लड़की के घर में क्या हुआ था तो आपको इतनी दूर रिश्तेदारी की तो बात ही पता नहीं चलती है तो हमारी जो रिलेटिविटी है वो बहुत क्लोज सर्कल में होती है। जैसे ऑफिस के कलीग्स होंगे अमेरिका तुम्हारे नेबर्स होंगे तुम्हारी बेटी के स्कूल के जो पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं तो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन आपकी आ, जानकारी में लोग होना एक चीज़ होती है लेकिन सुख दुख का संबंध जिससे होना यह बिल्कुल दूसरी बात होती राइट तो हमारी जहाँ मन की अटैचमेंट ज़्यादा होती है वहाँ दुख सुख ज्यादा जोर से लगता है अब परदादी को अगर देखा नहीं तो क्या रिलेट करोगे परदादा दे हम ये भी भूल जाते हैं कि परदादा नहीं होते तो दादा नहीं होते दादा नहीं होते तो तुम्हारे पिताजी नहीं होते पिताजी नहीं होते तो तुम नहीं होती तो एक्चुअली हमारे सारे एनसेस्टर्स in a way we are living in our body with the genealogy which we have is coming from our ancestors aur bharat ek puratan desh hai bharat ki tarah hi uh, jo original america ke natives hain wo bhi even australia ke natives wo bhi अपने ancestors को बहुत याद करते हैं मैं इंडोनेशिया में थी आ, कई साल पहले हालाँ बहुत बड़ी संख्या वहाँ मुस्लिम हो चुकी है लेकिन वो अपने एनसेस्टर्स के साथ रिश्ता आज भी बना के रखे और कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे हाँ और इसलिए वो जो कनेक्टिविटी जो रिलेटिविटी हिंदू धर्म से है या देवी देवताओं से है या अपने पूर्वजों को याद करने की है तो ये इन सब कम्युनिटीज में हमको आज भी दिखाई देती तो जैसे हम हमारे शरीर का जो जीन है वो कहाँ से आ रहा है बहुत पीछे तो नहीं जाते लेकिन कहीं ना कहीं तो हमको पता रहता है कि हमारे दादा ये थे नाना ये थे नानी ये थी वो जो शरीर की कंडीशनिंग है ऐसे ही हमारे मन की भी कंडीशनिंग है पर हमारा मन किन से रिलेट कर पाएगा चाचा से काका से मामा से बुआ से गुजराती में बोलते फूई से है न उनसे ज़्यादा क्लोज फिर उसमें भी तुम्हारा फेवरेट कौन है मन उनसे ज़्यादा लिंक करेगा और अगर कहें सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है तो फिर तुम्हारी बेटी आ जाएगी या तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा फिर उसमें तुम्हारी मम्मी भी थोड़ी दूर हो जाएगी बेटी ज़्यादा प्यारी हस्बैंड ज़्यादा प्यारा अनफॉर्चुनेटली मान लो किसी मां का बच्चा अगर मर जाए बहुत दुखी होगी बहुत दुखी होगी लेकिन कुछ साल बाद क्या उसका मन भी नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा वो भी हो जाएगा तो इस मन में दुख शोक खुशी गमी ये जितनी इमोशंस आती हैं उसके आने को जिसने जाना और उस इमोशन के जाने को जिसने जाना वो जानने वाला दृष्टा तो तुम हो अगर आप मन से अलग ना होते तो ये जो इमोशन आए और गए आए और गए आए और गए इनके आने और जाने को किसने जाना वो तो तुमने जाना ना वो तो तुमने जाना इस नाते जो जाना जाए उसको कहते दृश्य जो जानता है उसको कहते दृष्टा और जिस माध्यम से जाना उसको हम कहते हैं इंद्री या अच्छा तुम्हारी आंख में कोई तकलीफ है ये कैसे जाना मन से आई मेकिंग इट लिटल सिंपलर फॉर यू आंख में कान में पैर में कोई दर्द है अगर, कैसे जाना मन से तो मन के साधन के बगैर शरीर की तकलीफ को आप जान नहीं सकेंगे राइट अच्छा अब मैं पूछती हूं मन को कैसे जाना कि मन में सुख है या दुख है उसके बीच में मीडियम कौन है मन को आंखों से जानोगे नो no, नो no, नो no, नो no. नो मन में सुख आया ये कैसे जाना किस ज्ञान इंद्री से जाना हाँ, अब मन के अंदर सुख आया तो सुख क्या कोई रंग है जिसको तुम आंखों से देख सकते हो ये सुख कोई शब्द है जिसको तुम कान से सुन सकते ये सुख कोई खुशबू है जिसको तुम नाक से सूंघ सकते थे ये खुशबू कोई स्वाद है जिसको तुम जीभ से चख सकते थे क्या ये सुख या दुख Uh, को हम छू के जान सकते हैं कि मन में सुख है या नहीं है तो एक्चुअली ज्ञान इंद्रियों का को तो कोई काम ही नहीं है उसमें राइट और शरीर का भी कोई काम नहीं है तो मन में जो सुख आया वो कैसे जाना डायरेक्ट मैंने जाना मैं जो मन से अलग मन का साक्षी मन का दृष्टा हूं मैं मन के अंदर आए सुख को दुख को शोक को खुशी को गमी को मैं डायरेक्ट जानता हूं तो मन मेरा दृश्य है और मैं इस मन का दृष्टा हूं समझ रही जो मैं बात बोल रही हूं आपने स्वप्न देखा स्वप्न को आपने किसी इंद्री के जरिए देखा नहीं वहां तो इंद्रियां थी नहीं पर स्वप्न में जो कुछ देखा जो कुछ हुआ वो कैसे जाना किसने जाना वो मैं साक्षी डायरेक्ट उसको देखता सही अच्छा गहरी नींद में आप हैं आप सो गए गहरी नींद में हो जहां ये खबर नहीं है कि तुम गन्नौर में हो कि तुम किस शहर में हो अमेरिका में मैरीलैंड तुम तो मेरीलैंड में हो कि तुम गन्नौर में हो गहरी नींद में कुछ पता रहता है कल रात सोई कुछ पता रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो नींद में मन भी नहीं है नींद में बुद्धि भी नहीं है पर नींद हुई है फिर कैसे जाना इसको हम कहते साक्षी भाष्य क्या बोलते भाष्य मतलब जैसे हम अंधेरे कमरे में अंधेरी जगह में जाएं और टॉर्च से रोशनी करें तो वो रोशनी को जहां जहां हम डालेंगे वहां वहां की चीज दिख जाएगी तो इसे हम कहेंगे टॉर्च रोशनी भाष्य भाष्य मैंने थ्रू विच वी कैन सी राइट अब जो बाहर की चीजों को हम टॉर्च की रोशनी से देखते हैं ऐसे मन के अंदर क्या होता है ये कैसे देखते हैं तो मैं हूं साक्षी स्वरूप और मैंने जाना मन के अंदर क्या हुआ इसलिए उसको हम कहते हैं साक्षी भाष्य साक्षी की रोशनी में मन का सुख दुख दिखता है और तो गहरी नींद हो रही है ये कैसे जाना मैं ही जानता हूं इसीलिए तो सुषुप्ति भी क्या है साक्षी भाष से कोई बात बुद्धि को समझ आ गई ये कैसे पता चलेगा साक्षी भाष से मन में कोई दुख है बहुत जोर से कैसे पता चलेगा साक्षी भाष से स्वप्न साक्षी भाष्य सुषुप्ति साक्षी भाष्य योग से समाधि लगी कैसे जाना साक्षी भाष्य मन एकाग्र हो गया कैसे जाना साक्षी भाष मन विक्षेप में है कैसे जाना जैसे आम दुनिया में क्या होता है ना मन तो दुखी है पर मुंह पे स्माइल होती है होता है कभी ऐसा हुआ कि नहीं मन तो बड़ा दुखी है पर आप जॉब में हैं, रिश्तेदारों में हैं, तो आप पार्टी में हैं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं पर ये कौन जानता है कि मन में तो बहुत दुख है तो मन का दुख सुख साक्षी भाष्य मन के अंदर कुछ संजोग विजोग की ही साक्षी भाष्य मन में कोई मेमोरी जागी आपकी क्या है साक्षी भाष्य तो स्मृति स्वप्न सुषुप्ति भावनाएं वेदांत का जब कोई गुड़ सिद्धांत में सिखाती हूं और जब तुम्हारी बुद्धि समझ नहीं पाती पर फिर भी यूं यूं हाँ हाँ कर रहे होते हो अंदर से तो पता होता है ना समझ कुछ नहीं आई पर फिर भी लगे होते हाँ समझ आ गई आई समझ से कुछ भी नहीं आई राइट right? अब जैसे मैं अभी तुम्हें तो पूछूं मिथ्या की परिभाषा क्या है बोलो पकड़ी गई साइंटिस्ट हो पर मैं अगर तुम्हें तो कहू व्याख्या करो चेतन किसको कहते परिभाषा बताओ आभास किसको कहते बताओ हम्म अध्यास किसको कहते बताओ मुश्किल हो जाएगी ना तो ये मुश्किल किसको पड़ रही है तुम्हारी मन को तुम्हारे मन की स्मृति में आ नहीं रहा है